हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैलिफोर्निया की बहुत सारी जगह पे। Who knows what you think about me? And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out. Because you know I tried the best I could. तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे पहाड़ था काफी, मतलब ज्यादा चढ़ाई नहीं थी, थोड़ी बहुत चढ़ाई थी, तो पार्किंग फिलहाल लगा दी है। मगर पार्किंग की एक चीज बताता हूँ, पार्किंग का प्राइस देखो $10 एक घंटे के, मतलब इंडिया के ₹700 एक घंटे की पार्किंग है। तो अब हमें लगानी पड़ेगी और देखते हैं कि कितनी देर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे एक या दो घंटे लग जाएंगे, मगर $10 घंटे की पार्किंग बहुत ही ज़्यादा है। बट चलो, कभी कभार हो जाता है। ये यहाँ पे ऐसे मीटर लगा हुआ है, इससे आप पार्किंग लगा सकते हो। एरिया बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी चीजें हैं देखने को। मैंने देखा यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है भाई, क्या जबरदस्त है। अमित, तू यूज कर रहा है वाईफाई? मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज दी हुई है। तो भाई अगर आ रहे हो यहाँ पे, पार्किंग बहुत महंगी है और फ्री वाईफाई है, तो मतलब ठीक है, वाईफाई यहाँ मिल जाता है तो मैं पार्किंग के पैसे देने में दुखता नहीं है। मगर फिर भी ₹700 एक घंटे की पार्किंग। I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. मैं पता है बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से। अगर आप देखोगे 5000 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ, तो वहाँ से मैं ड्राइव करके आया हूँ। 2-3 दिन लग गए, आपने वीडियो देखी होंगी मेरी। और अभी फिलहाल हूँ मैं वहाँ पे, है हॉलीवुड का साइन। यहाँ पे है हॉलीवुड का साइन, बहुत ज्यादा दूर है मुझे पता है, मगर अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे जा सकें, जितनी पास भी तो हम लोग करेंगे उसको कैप्चर। अदरवाइज मैं आपको सिटी का व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा आपको यहाँ से ऊपर से सिटी दिखेगा। वही इधर चली जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है इस पार्क के अंदर। मेरे को बहुत समथिंग इंटरेस्टिंग, देखो इधर दूर नहीं अपनी कंट्री से भाई, इंडिया का एक कोई चीज दिखी है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा क्लोज। यार देखो, यहाँ पर इंडिया से हम दूर नहीं है, इंडिया की हर चीज यहाँ मिल रही है। ये देखो, इंडिया से बना हुआ एक ढक्कन है, हद होती है। इंडिया से बने हुए यार ढक्कन तक यहाँ मिल रहे हैं। देखो ये मेड इन इंडिया ढक्कन है, हद होगी यार। क्या क्या चीजें बन के आ रही है इंडिया से, कमाल है। बहुत सारी चीजें हैं देखने को, करने को। जैसे ये एक ट्रेल बनाई हुई है, अगर आपको वॉकिंग करनी है पहाड़ों में, बड़ा जबरदस्त मेरे को मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है, ये है हॉलीवुड वाला एरिया, जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने बनाई थी 2-3 दिन पहले। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से मैंने पैदल चलना चालू किया था। वहाँ पे अभी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पैदल ही चल सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ कैलिफोर्निया के घर दिखाने के लिए, हॉलीवुड का जो एरिया है आसपास का, उसके आसपास में किस तरीके के घर हैं यहाँ कैलिफोर्निया में, तो वो सब मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। मुझे कैलिफोर्निया की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे, वो है यहाँ पे स्मॉल मतलब माउंटेन टाइप में है। और यहाँ का जो वेदर है, मैं आपको बताऊँगा, वेदर बहुत ही अच्छा है। स्पेशली जब शाम होती है तो बड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है। अभी जैसे मैं आया हुआ था, तो मतलब शाम का जो टेम्परेचर था वो हो जाता है 25 के करीब, 20-25, मतलब बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। दोपहर थोड़ा गर्म है, जैसे मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी रहती है, मगर शाम का जो मौसम है बहुत अच्छा है। और ये आप घर देखिए, कितने अच्छे तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पे। और मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया था, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो जो अभी भी आप एरिया में होते हो क्या प्राइस है। तो ये वाला जो प्राइस है एरिया का, ये यहाँ पे मतलब 2-3 मिलियन के डॉलर वाले घर हैं यहाँ पे, $1 मिलियन से चालू हो रहे हैं। तो मेरा जो यहाँ पे कैलिफोर्निया का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वेदर है। और मतलब कुछ जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होमलेस लोग हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, जैसे स्पेशली जो LA का डाउनटाउन है उसके आसपास का एरिया,
तो वो मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, बट बाकी जो कैलिफोर्निया का एरिया है अमेजिंग। मतलब आप लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, और भी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई हॉलीवुड वगैरह, मतलब अमेजिंग है। मतलब फुल, मतलब कभी आते हो तो बहुत टाइम पास के लिए बड़ी अच्छी जगह है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जितना अभी तक मैंने ट्रैवल किया है, फ्लोरिडा से लेके और अभी कैलिफोर्निया में हूँ मैं। आप लोगों को वीडियो बना के भी दिखा चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बहुत ही एक से एक अलग जगह है अमेरिका में, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली कैलिफोर्निया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर करने को है, बहुत चीज़ें देखने के लिए हैं। अगर कभी भी यहाँ पे आते हो तो एटलीस्ट यहाँ पे आइए 1 वीक के लिए मिनिमम, तभी आप सब चीज़ें आराम से कवर कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। तो और ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ट्रैवल करने में यहाँ पे। आप वही होटल भी आप सस्ते कर सकते हैं, महंगे भी होते हैं, आप सब चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप कहीं पे भी जाने से पहले। तो एक फ़्लाइट टिकट होगी, जो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं फ़्लाइट टिकट महंगी होंगी, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो आराम से। अभी जब ये मेरा ट्रैवल ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका में आप कैसे बिल्कुल सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा, कितना महंगा नहीं है। आप जितना इंडिया के अंदर होटल के प्राइस है उसी तरीके के होटल के प्राइस यहाँ पे हैं, वो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि उसके बाद आप लोगों के लिए अमेरिका घूमना बहुत इजी हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि अमेरिका में घूमना इतना महंगा नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इन घरों का इंजॉय कीजिए, कितने लग्जरी घर यहाँ पे दिख रहे हैं, एक से एक डिफरेंट। और कुछ घर तो मुझे इंडिया के जैसे लग रहे हैं जैसे इंडिया में होते हैं। मुझे लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, लोगों ने बोला था कि भाई कैलिफोर्निया हॉलीवुड के आसपास के घर दिखाइए, कैसे घर हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस वीडियो में, मज़ा आया लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए और किस तरीके की आप लोगों को वीडियो देखनी है। मैं कोशिश करूँगा उन पर वीडियो बनाने की। ये वाला घर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अगर ये वाली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।